ग्वालियर के गिरवाई थाना इलाके से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां जमीन के नाम पर पहले पीड़ित से 7,80,000 रुपए ले लिए गए और अब पीड़ित को ना तो प्लॉट और ना ही रजिस्ट्री और ना ही पैसे वापस दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसएसपी अमित सांघी से की है। वहीं एसएसपी ने पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी गिरवई में 22 अगस्त 2016 को, जो कि मैंने 8,40,000 का उससे डील हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए उसको टोकन दिया था, 7 और 6 लाख के मैंने 3-3 लाख के 2 चेक उसके अकाउंट पे के दिए थे, उसके अकाउंट में गए थे। और शेष एक चूँकि सोनचरी अभयर केंद्र था तो इसलिए उसमें रजिस्ट्री पे बैन लगा था। अब रजिस्ट्री खोलने के उपरांत तो उसने मुझसे विश्वास में दिला के बोले, सर मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप रजिस्ट्री कराना, मैं 2-4 दिन में कर दूंगा, अभी मुझे आप थोड़े पैसे दे दो। तो मुझे लगातार वो 8 महीने से गुमराह कर रहा है और 5-5, 10-10 हज़ार करके मेरे से वो 80,000 रुपये और ले आ चुका है। अब जब मैंने रजिस्ट्री के लिए दबाव डाला उस पर, तो वो रजिस्ट्री के लिए मना करने लगा, कह रहा मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगा। एक कुछ रिटायर्ड कर्मी आए थे, इसमें से एक का कहना था कि इन्होंने ज़मीन खरीदने के लिए लगभग 8 लाख रुपये एक पार्टी को दिए हैं, एग्रीमेंट हो गया है, परंतु अभी तक ज़मीन नहीं मिल रही है। तो मेरे द्वारा इनको थाना भेजा गया है और इसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करा के कार्रवाई की गई।